बाद में ये गेट जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, इस गेट के आजू बाजू अगर आप देखो लेफ्ट एंड राइट, देर इज़ अ पेंटिंग ऑफ अ सोल्जर स्टैंडिंग विद हिज स्वॉर्ड। ओके, रामगढ़ एक हिस्टोरिकली एक लर्निंग सेंटर था, इसको सेकंड काशी या फिर छोटी काशी भी कहा जाता था। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, पीपल यूज टू कम हेयर फॉर लर्निंग पर्पसेज, फॉर एजुकेशन पर्पसेज। चलते हैं सेकंड वाली छतरी के अंदर, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे आना चाहते हो तो आ सकते हो, इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। एज अ इंडियन आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं टिकट के। हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग। आई एम मनोज चितारा फ्रॉम vijaychitara.com एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग। आज जहाँ मैं आया हूँ वो है रामगढ़ सिटी। एंड रामगढ़ सिटी एक गढ़ है, यहाँ पर बहुत सारे हवेलीज, छतरीज, बहुत सारी ऐसी राजस्थान के आर्किटेक्चरल अपीयरेंस वाली बहुत सी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वो है एक छतरी, और छतरी बेसिकली होती है जिसके अंदर जैसे डेथ किसी की व्यक्ति की हो जाती है तो उसके बाद में उसके नाम की छतरी बनाई जाती थी राजस्थान के कल्चर में। तो जैसे जितना बड़ा कोई व्यक्ति होता था उसके हिसाब से उसकी छतरी बनती थी। लाइक ये श्री राम गोपाल जी पोर्टर की छतरी है, तो ये सबसे बड़ी है। डेट मीन्स कि उनका जो सोशल स्टेटस था वो उसको डिस्क्राइब करता है छतरी की हाइट से। लाइक अगर आप देख रहे हो छतनी कितनी बड़ी है, कितनी शानदार बनी हुई है, कितनी अच्छे तरीके से बनी है, तो वो सिंबल है कि उसकी सोशल स्टेटस काफ़ी हाई रहा होगा। और ये जो छतरी है ये सबसे बेहतरीन मानी जाती है पूरे राजस्थान में। तो ये छतरी, मतलब श्री राम गोपाल जी पोर्टर की छतरी, काफ़ी हाई स्टेटस रखती है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं आपको रामगढ़ के थोड़े बहुत फैक्ट्स बता दूँ। रामगढ़ इज़ अ सिटी ऑफ हवेलीज एंड छतरीज, ठीक है। यहाँ पर आपको सैकड़ों हवेलियाँ मिलेंगी और सैकड़ों ही छतरियाँ मिल जाएंगी। अगर आपको राजस्थान एक्सप्लोर करना है तो राजस्थान में रामगढ़ इज़ अ मस्ट विज़िट, आपको यहाँ आना ही चाहिए अगर आपको रियल में राजस्थान विज़िट करना है। रामगढ़ एक हिस्टोरिकली एक लर्निंग सेंटर था, इसको सेकंड काशी या फिर छोटी काशी भी कहा जाता था। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, पीपल यूज़ टू कम हेयर फॉर लर्निंग पर्पसेज, फॉर एजुकेशन पर्पसेज। और यहाँ पर जो सेठ होते थे वो उन बच्चों को पढ़ाते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, इवन हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करते थे, फूडिंग भी, अकोमोडेशन भी, सब कुछ, वो भी फ्री में। रामगढ़ के सेठों की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हैं, और रामगढ़ के सेठों की एक कहानी ये भी है कि उन्होंने अपने राजा को भी एक बार उधार में पैसे दिए थे। बाकी और भी काफ़ी कहानियाँ हैं, मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे अब रामगढ़ आया तो पूरा रामगढ़ एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके बाद में साथ ही साथ आपको सारी कहानियाँ बताता रहूँगा, ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं ये छतरी को, प्रॉपर्टीज़ को। yes. अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको आना कैसे है। तो आने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आप कहीं से भी आ रहे हो तो अगर आपको जयपुर तो पता होगा, जयपुर से आप सीकर आ सकते हो। सीकर एक डिस्ट्रिक्ट है बहुत बड़ी, ठीक है, और ये जो रामगढ़ पड़ता है ये सीकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। तो सीकर से आपको सीधी बस मिल जाएगी यहाँ रामगढ़ शेखावाटी की। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, देर इज़ ए अनदर दांता रामगढ़, अगर आप वहाँ चले गए तो वो काफ़ी दूर पड़ जाएगा आपको। दांता रामगढ़ अलग क्षेत्र है और रामगढ़ शेखावाटी अलग क्षेत्र है। तो आपको आना है रामगढ़ शेखावाटी में। ये सारे के सारे जो आपको छतरियाँ मिलेंगी, हवेलियाँ मिलेंगी, ये रामगढ़ शेखावाटी में मिलेंगी, दांता रामगढ़ में नहीं है, वो एक छोटा सा गाँव है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ यहाँ के सारे विजुअल्स। इन छतरियों की खास बात ये है कि इनके अंदर आपको ये जो पेंटिंग्स होती है ना, जैसे ये पेंटिंग आपको दिख रही होगी, ये सारी पेंटिंग्स हाथ से बनाई गई है और ये अभी तक मौजूद है। जिस ज़माने में ये बनाई गई थी उसके बाद भी ये अभी तक मौजूद है। इनको फ्रेस्कोज बोलते हैं, जहाँ तक मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है और इनके बाद में जाना है, फ्रेस्कोज इनको बोलते हैं। और छतरियों के ऊपर और काफ़ी सारी हवेलियों में ये सारी जगह आपको मिलेंगी। इवन पूरे रामगढ़ में और राजस्थान की काफ़ी जगहों पर आपको ये पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी देखने को। इनका जो मेथड होता था बनाने का,
वो तरीका ये होता था कि जैसे वेट जो होता था लाइम, उसकी कोटिंग दीवारों पे या इन छतरियों पे जहाँ भी वो पेंटिंग करनी होती थी तो वो वहाँ पे करते थे। उसके बाद में जब वो पेंटिंग कर ली उन्होंने, तो फिर पेंटिंग करने के बाद में जब वो वेट कोटिंग उन्होंने कर ली लाइम की, उसके बाद में गीले लाइम के ऊपर ये सारी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो उससे क्या होता था कि वो जब सूख जाता था तो उसके बाद में ये सारा का सारा जो भी पेंटिंग होती थी वो एक पार्ट उसका स्ट्रक्चर का बन जाती थी, वॉल का पार्ट बन जाती थी। डैट मीन्स कि अब वो ख़राब नहीं हो सकती काफ़ी दिनों तक। जैसे आप ये जो रामगोपाल पाउडर वाली छतरी है, पाउडर वाली, यहाँ का ये एंट्रेंस है सामने से, इधर से मैं आया था और यहाँ से इधर जाके ये पहला स्ट्रक्चर है जो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद ये तीन वेरिएंट है इसके, इसके बाद ये आपको सामने ये मिलेंगे, यहाँ पर ये छतरी होगी आपके पास देखने के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसके एडजेसेंट ही आपको एक और थर्ड वाली मिलेगी जो यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। तो ये छतरी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अपीलिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और इतनी सुंदर है कि आपका मन भर जाएगा यार यहाँ पे आके। उसके बाद आपको पीछे वहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये है सारा कुछ, ठीक है, ये सारा इसी का पार्ट है, काफ़ी सुंदर है। अब तीनों एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं उनकी पेंटिंग्स को और छतरी को, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड वाली छतरी के अंदर, तो ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाएंगे। इसके अंदर भी यही काफ़ी सारी छतरियाँ जैसे डिज़ाइन की हुई है, ठीक है। और ये पेंटिंग्स, फ्रेस्कोस, ट्रेडिशनल राजस्थानी लुक है, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रक्चर्स थोड़े ज़्यादा हैं, यहाँ पर थोड़े कम हैं छतरियों के। तो उसके बाद ये भी इसी तरीके की है। अच्छा, जो ब्लैक 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 पार्ट आपको दिख रहा है ना, जैसे ये टॉप पे या नीचे और बीच में जैसे येलोइश है, उसके ऊपर पेंटिंग्स है, तो ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ है कि जैसे बारिश पड़ती है, एक्चुअली है तो ये लाइम ही ना, सीमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो लाइम जैसे केयर एंड टेक नहीं होने की वजह से वो डिके हो रहा है और उसके ऊपर काली परत जैसे मिट्टी धूल वगैरह जमी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको साफ़ करता हूँ ना, ऐसे इसको साफ़ करता हूँ, देखो ये पोर्शन हो गया वाइट, वैसे ही वापस हो गया। तो ये सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है, ठीक है, मिट्टी है जो जम गई है इसके ऊपर, चिपक गई है। उसके बाद अगर इसको साफ़ किया जाए तो साफ़ भी हो जाएगी, बट केयर ऑन टेक होनी चाहिए थोड़ी बहुत बस। वैसे भी इस वाली छतरी में ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अंदर जो पेंटिंग्स है ये पहले राधा कृष्ण की है, ठीक है, सारी तरफ यही बनी हुई है, ठीक है। ऊपर सेंट्रल डोम के ऊपर एक वो पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो पेंटिंग्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, शायद आपको दिखनी नहीं होंगी क्योंकि मिट गई हैं काफ़ी। ये हिंदू स्क्रिप्चर्स में जैसे जो भी भगवान देवता जो भी है उनके चित्र दर्शाए गए हैं, जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे करते हुए, तो उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। जैसे किसी स्क्रिप्चर्स में कोई कथा लिखी है तो वो कथा को दर्शाते हैं। चलो यार, अब ये सेकंड वाली छतरी भी देख ली, अब इसके बाद में चलते हैं तीसरी छतरी पर, वो भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं उसमें क्या है खास, ठीक है। चलते हैं उधर।
मतलब एक्चुअली काफ़ी बड़ी है यार ये छतरी। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ जब एंटर कर रहा हूँ तो उसके बाद में पीछे के एरिया में बैकयार्ड में एक और छतरी है, जैसे ये आप मेरे पीछे देख रहे होगे शायद। तो एक मिनट, ये एक और पीछे छतरी है। अब मैं सोच रहा था ये तीन ही है, ये इसके पीछे एक और स्ट्रक्चर है और साथ में जैसे आप वो देख रहे हो वहाँ पर वाइट वाइट स्ट्रक्चर और बने हुए हैं, वो पता नहीं किस चीज़ के है, शायद इसी के पार्ट है क्योंकि इसके जैसे ही दिख रहे हैं। काफ़ी बड़ी है यार, काफ़ी औसम चीज़ है। अगर आप इसको देखेंगे आना चाहते हो तो आ सकते हो, इसके अंदर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। एज ए इंडियन आपको सिर्फ 50 रुपये देने हैं टिकट के इस छतरी को विज़िट करने के लिए, एंड इट्स ऑल योर्स। आप जहाँ मर्जी जाके घूम सकते हो, फोटोज कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, बट इट इज़ अलाउड ओनली इफ़ यू टेक परमिशन फ्रॉम देम। ओके, ऐसे अपनी मर्जी से मत करना, ठीक है। मैंने भी परमिशन ली है, उसके बाद में मुझे शूटिंग अलाउड हुई है, ठीक है। किसी भी जगह पर आप जाओ ना तो शूटिंग के लिए परमिशन ज़रूर ले लो, कभी कभी मना होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर जो गेट्स वगैरह हैं इनके ऊपर अगर आप पेंटिंग्स देखोगे दे आर एक्चुअली क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। ऊपर वहाँ पर जैसे मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, तो मूर्ति के आगे जैसे औरतें हैं जो उनका स्वागत कर रही है या फिर उनका मतलब उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनके क्या कहते हैं उसे, उनकी मतलब सेवा में खड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद में ये गेट जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, इस गेट के आजू बाजू अगर आप देखो लेफ्ट एंड राइट देर इज़ अ पेंटिंग ऑफ अ सोल्जर स्टैंडिंग विद हिज स्वॉर्ड। ओके, ही इज़ एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द डोर फ्रॉम एंटरिंग समवन हु इज़ अ एनिमी। ओके, इस साइड में भी बनी है, एंड इधर जो दीवारें हैं उसके ऊपर जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर पेंटिंग्स बनी है उन लोगों की, जैसे ये एक्चुअली पेंटिंग्स हैं युद्ध के लिए या फिर उनके सैनिकों की आते जाते की उनकी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप तो ऊँट पे दो सैनिक जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप तो ये युद्ध का सीन है जिसके अंदर दो सैनिक लड़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक घोड़े पर आदमी सवार है जो जा रहा है, ठीक है, भागते हुए घोड़े पर। यहाँ पर रथ के ऊपर दो लोग जा रहे हैं, इधर हाथी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी पेंटिंग्स हैं। जैसे उस टाइप के उस स्ट्रक्चर पे अगर मैं जाऊँ मैं तो वहाँ पर जो पेंटिंग है वो डांसर्स की है, ठीक है। औरतों की पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, डांसिंग जैसे औरत है वो डांस कर रही है। इस साइड में जो राजा है वो बीन बजा रहा है और वो औरत नाच रही है, ठीक है, ट्रेडिशनल इंडिया राजस्थानी स्टाइल के अंदर। कलबेलिया के अंदर शायद इस तरह का डांस होता है, राजस्थानी जो डांस होता है कलबेलिया उसमें, ठीक है। यहाँ पर औरतें हैं वो कृष्ण जी की, कृष्ण और राधा की है जो तस्वीर, उसके अंदर वो झूला झूल रहे हैं, और इधर जो कृष्ण है वो गोपियों के साथ जैसे रास लीला कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी जो पेंटिंग्स हैं यहाँ पर कोई डांस कर रही है, ठीक है, ये सारी पेंटिंग है। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यार वैसे। यहाँ पर बैकयार्ड में गाय भैंसे वगैरह बांधी हुई है इन्होंने, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर एक और है, ठीक है, ये भी छतरी का ही पार्ट है। इसमें तो इन्होंने गौशाला ही बना दी है, ठीक है, ये गाय भैंसे इन्होंने बांधी हुई है, एंड डेट इज़ द लास्ट वन जिसमें अभी जाके आए थे। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में इस जगह पे भी नहीं, हम अभी इसमें जाके आए थे, ठीक है। और या इसका रास्ता उधर से घूम के आता है, ठीक है, इधर से घूम के आता है, तो इसमें नहीं गए थे, इसमें भी चले जाते हैं। व्लॉग करने आए तो सारा कुछ करेंगे, व्लॉगिंग जिंदाबाद। आई थिंक ये वाली छतरी जो है ना ये काफ़ी औसम है। इसके अंदर से आपको सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स मिली, ये सबसे लास्ट में है, और इसके अंदर पेंटिंग्स जो है ना वो काफ़ी यूनिक है और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। ऊपर जो आप देख पा रहे हो ऊपर वाली पेंटिंग्स है उसके अंदर जैसे कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं,
और बीच बीच में ऐसे ही लोगों की भी पेंटिंग बनाई हुई है, लाइक वो जो ऊपर पेंटिंग है ये अब आप देख पा रहे होंगे, उसमें एक औरत और एक आदमी खड़ा है, ठीक है। और उसके बाद में जो पेंटिंग है उसके अंदर एक आदमी घोड़े पे है, उसके बाद में हनुमान जी है, फिर कोई माता है, शेरावाली माता, ठीक है, ऐसे देवी देवताओं की है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो वही जो स्क्रिप्चर्स में हमारे जो कथाएँ होती है उसके अकॉर्डिंगली जो उनको दर्शाते हुए ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, ठीक है। ये काफ़ी यूनिक है। और उसके अंदर ऊपर वाली जो पेंटिंग है जो सेंट्रल डोम के ऊपर है वो भी डिफरेंट है, लाइक ये है, हम आप देख पा रहे होंगे आराम से। तो अभी हमने सारी छतरीज एक्सप्लोर कर ली हैं, बस ये एंड है इस वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैट्स ऑफ, बाय बाय। Water, there's so much water. Oh.